मैं हूँ आदिल अवान अपने YouTube चैनल के साथ। उम्मीद है आप लोग भी खैर वापस से होंगे। व्यूवर्स, कल जैसा कि आपने देखा रात 12 बजे पूरी दुनिया ने 2023 को नया साल है उसका जो है वो बेहतरीन तरीके से उसका वेलकम किया। और आज हम मौजूद हैं यहाँ कराची प्रेस मार्केट सदर में। यहाँ लोगों से जानना चाहेंगे कि वो 2023 को मुल्के पाकिस्तान में जो है वो नए साल के हवाले से क्या चाहते हैं कि मुल्के पाकिस्तान में किस तरह का नया साल जो है वो होना चाहिए और लोगों की क्या उम्मीदें वाबस्ता है अपनी हुकूमत से, अपने हमारे इकतदार में बैठे जो लोग हैं हुक्मरान से, उनसे क्या वाबस्ता है उनकी उम्मीदें। तो आइए हम अभी लोगों के तासुरात देंगे, इंशाल्लाह आपको इस हवाले से। अंकल क्या नाम है आपका? मेरा नाम। अच्छा गुलखान साहब, कितने अच्छे से कराची में रह रहे हैं? तकरीबन 10-20 मरतबा है हमारे शेरपुर है। अच्छा, ठंडी का मौसम इधर आता है फिर वापस जाते हैं। अच्छा, वापस चले जाते हैं। तो यहाँ आके क्या करते हैं, कारोबार करते हैं या वैसे घूमने फिरने आते हैं? कोट वोट बेचते हैं, जैकेट वैकेट बेचते हैं। तो आप क्या देखते हैं पिछले इतना अर्सा जो पाकिस्तान में आपने गुजारी है, जो जिंदगी जब से आप पैदा हुए हैं, तो सबसे मुश्किल दौर कौन सा रहा है? महंगाई के हवाले से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ये बस ये 3 साल 3.5 साल बहुत तूफान आया है, बस इसी वजह से आवाम जो है बहुत भीख पर मजबूर हो गया, भीख मांग रहे हैं। तीन हिस्से पाकिस्तान जो है भीख मांगने पर मजबूर हुआ है। इससे पहले हर काम मिलता था, हर रोजी मिलता था, रोजगार ज़्यादा था, बहुत अभी मसाइल है रोजगार में, अभी तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ा है। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में मुल्क का हुक्मरान कौन होना चाहिए कि हम पाकिस्तान के मसाइल हल हों, यहाँ से महंगाई गुरबत का खात्मा हो? बस जो अल्लाह का बंदा नेक हो जाए, जो मुल्क बंद करे वही अल्लाह करे वही आवे, जिसको मुल्क कम हो और मुल्क सस्ताई लावे, मुल्क में जो है महंगाई खत्म करे। चले, बहुत शुक्रिया सर। क्या रहेंगे? क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम है सलमान। सलमान भाई क्या करते हैं आप? मैं फारिग हूँ, अभी तो जॉब नहीं है, करता था पास में का गाड़ी पर। अच्छा, कहाँ काम करते थे पहले आप? तारीख और चार महीना। अच्छा, क्या हो जाए, काम वाम में क्या मसला है? सैलरी बहुत कम है यार, 18,000 सैलरी है, काम 25,000 बचता है, सुबह 9 से रात 9। तो अभी क्या चाह रहे हैं कि क्या मतलब किस तरह की जॉब ढूंढना चाह रहे हैं आप? आपको किस तरह की नौकरी चाहिए कि आपकी ज़िंदगी आसान हो या आपके अखराज पूरे हों? हम तो चाहते हैं कुछ सही सी जॉब मिले, पता लेते हैं उसको 8 घंटे हो या 7 घंटे हो, पैसे भी सही मुनासिब हो। ये पैसे इतने देते हैं, कम काम देते हैं पूरा 8, 9, 10, 12 घंटे का। कंपनी लेन 9 से 9 है, उसके 21,000 से। तो आप कितने अर्से से रोज़गार कर रहे हैं, कमाना शुरू किया है, किस उम्र से? तकरीबन 17 साल की उम्र से। तो आप क्या समझते हैं कि सबसे ज़्यादा मुश्किल दौर जो है वो रोज़गार के हवाले से मुल्क पाकिस्तान में लोगों को रोज़ी के जो मसाइल हैं वो सबसे ज़्यादा किस दौर में जो है वो इस वक्त लोगों को सामना करना पड़ता है? बस बुरे हालात हैं, पैसों बचत हो रही है, पैसे जितने कमा रहे हैं कम, महंगाई हालात महंगाई बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुबह। क्या हालात हैं कारोबार के, क्या हो रहे हैं? कारोबार के हालात थोड़ा कमजोर है, तो आप क्या थोड़ा तोड़ तोड़ के थोड़ा देखना पड़ता है। तो ये 2023 का जो नया साल शुरू हुआ है इसके हवाले से आपके क्या तासुरात हैं, क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं ऊपर आने से आपकी? मुझे तो अल्लाह से वाबस्ता रखना चाहिए, तो अच्छा उम्मीद अल्लाह से। अच्छा, तो हाजिर जी आप कितने अर्से से ये काम कर रहे हैं और आपके ख्याल में कि आपने जितने अर्से से ये काम शुरू किया है तो अब तक का मुश्किल तरीन दौर जो है वो कौन सा है आपका? मौजूदा दौर है या इससे पहले भी कोई हुआ है? जब तो मौजूदा दौर एक चला सकते हैं, बचत नहीं है। चले, अल्लाह पाक आसानी पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र है अल्लाह का। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहीन अब्बास है। शाहीन भाई क्या सूरत हाल है, काम वगैरह ठीक है? शुक्र है अल्लाह का, बेहतर है, लेकिन आजकल जैसे हालात और वक्त चल रहा है उस हिसाब से तो फिर भी शुक्र है, कहीं पहले की बनिस्बत 70% काम है। अच्छा, ये तो आपके पास अभी कुछ मेवाजात पड़े हुए हैं माशाल्लाह इतनी बड़ी तादाद में,
तो मेरे ख्याल से तो गरीब आदमी की पहुंच से तो इस वक्त ये दूर हो चुका है, तो क्या कहना है आपका इस बारे में? जी आपकी बात बिल्कुल हकीकत है कि एक आदमी अगर रोजमर्रा का सामान भी पूरा कर ले ये भी बड़ी बात है, क्योंकि इस वक्त जो मूंगफली जो गरीब की पहुंच में थी 300-400 रुपए किलो, आज वो 800-700 रुपए किलो चल रहा है। यानी कि गरीब 100 रुपए में उसको छटांग भी बढ़ रही है, बड़ी मूंगफली क्या ख्याल है? जी बिल्कुल यही बात है, 100 रुपए अगर 50 रुपए वो मूंगफली भी लेता तो उसके चंद दाने की गिनती क्या। अच्छा 2023 जो नया साल शुरू हुआ है, इस हवाले से आप अपने हुक्मरानों से या पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं कि आने वाला साल ये जो हमारा आज पहला दिन है तो आप क्या समझते हैं कि आपके जहन में क्या उम्मीदें हैं अपने हुक्मरानों से वाबस्ता? हुक्मरानों से 2023 के हवाले से हम क्या उम्मीदें रख सकते हैं, हुक्मरानों ने उससे पहले क्या और आप क्या करेंगे, ये कि अल्लाह पाक की बेहतर करे बस हमारे हाल पे रहें। तो आपके ख्याल में नया हुक्मरान ऐसा कौन आना चाहिए कि जो मुल्क को बेहतर एक नई ट्रैक पर डालकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करे? हमारी नज़र में तो इससे पहले जो हो चुका है और समय से बलातर है, लेकिन ये है कि यही दुआ कर सकते हैं अल्लाह पाक हमें कुरान अच्छा दे और हमें भी समझ आए। चलिए बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। हमारा आज का वीडियो आपने देखा, लोगों के तासुरात कैसे हैं, महंगाई के हवाले से आपने देखा कि लोग इतने परेशान हैं, तो आपने देखा जो हुक्मरानों से उम्मीदें जो लोगों की थी वो ख़त्म हुई, तो यकीनन हमारे हुक्मरानों से यही गुजारिश है कि वो ऐसे काम करें कि आवाम जो है वो उनसे उम्मीदें वाबस्ता करें और अपने हुक्मरानों को जो है वो अपने मुल्क के लिए बेहतर सकते हैं।